बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नई शराइत रख दी गई हैं। वो कौन सी नई शराइत हैं, आपको आगाह करने वाले हैं आज की वीडियो में। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, महकमा ट्रैफिक ने निजी गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वालों के लिए शराइत नामा जारी कर दिया है। निजी गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की एक बुनियादी शर्त ये है कि उम्मीदवार ड्राइविंग की राह में हायल जिस्मानी मजदूरी और इमराज से पाक हो। अगर उम्मीदवार किसी ऐसे मर्ज में मुबतला हो जिसकी वजह से वो गाड़ी ना चला सकता हो, या गाड़ी चलाने में उसे मुश्किल पेश आती हो, या जहनी तौर पर उसकी मजदूरी उसे लाहक हो गई हो जो ड्राइविंग की राह में हायल होती है, तो ऐसे शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकेगा। महकमा ट्विटर पर एक मुकामी शहरी ने दरियाफ्त किया था कि माजी में ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की थी, अब मैं ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराना चाहता हूँ, क्या सबका खिलाफ वर्जी का जुर्माना अदा करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता हूँ। महकमा ट्रैफिक ने वादे किया, 18 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 वर्ष की उम्र ज़रूरी है। दूसरी शर्त यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस के उम्मीदवार को अदालत ने नशा और अशिया के इस्तेमाल या धंधे या ज़खीरा करने का मुजरम करार ना दिया हो। तीसरी अहम शर्त यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस का उम्मीदवार ऐसी बीमारियों और मजदूरियों से पाक हो जो ड्राइविंग में रुकावट बनती हों। चौथी शर्त, ड्राइविंग का इम्तिहान पास करना ज़रूरी है। पांचवी शर्त ये है कि ट्रैफिक खिलाफवर्जियों के जुर्माने अदा करके ही दरख्वास्त दी जा सकती है। गैर मुल्कियों से मुतल्लिक छठी शर्त यह है कि उनके पास सऊदी अरब में कानूनी क्याम की दस्तावेज़ यानी इकामा हो। याद रहे कि सऊदी अरब में बाद लड़के और लड़कियाँ 18 वर्ष की उम्र को पहुँचने से कबल ही शौकिया ड्राइविंग करने लगते हैं। ऐसा करना ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी है। शौकीन लड़के और लड़कियाँ ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों के भी मुर्तकब हो जाते हैं। इनमें सऊदी और गैर मुल्की सभी शामिल हैं। सऊदियों की तादाद इस हवाले से ज़्यादा है। ये थी आज की जो है वो नई वीडियो, और जिसमें ट्रैफिक कवानीन के बारे में, ट्रैफिक लाइसेंस हासिल करने के लिए जो सऊदी अरब में नया जो है वो नई शराइत जो है वो बताई गई हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट आगाह किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपके साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।